Hey bitch. Hey dog. छी गंदा लड़का. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Kamal Dankhad and I am up with this new video asking girls some weird or like scary questions men are afraid to ask. And उसके लिए मेरे साथ है जानवी तिवारी. AKA the brown daughter. Kashish Doshi, she is my classmate. इसी की वजह से मैं पास होता है. Alright guys, इस वीडियो के लिए मैंने बहुत questions prepare किए हैं. सारी list मैंने बना के रख ली है. And I don't know मैं इनसे अब कैसे पूछने वाला हूँ. But I am very excited क्योंकि कुछ questions तो like mind blown है. किससे start करूँ मैं पहले ये बताओ पहले. हम दोनों ही बोल देंगे तो कुछ. पहली genuine चीज पूछता हूँ दोनों से. What do you notice at a first sight जब तुम किसी लड़के की तरफ देखते हो? Height. इतना गोल्ड डिगर गर्ल्स प्रैंक देखा है लेकिन मैंने जेन्युइनली नहीं देखी है कोई गोल्ड डिगर. हाथ उसे गोल्ड डिगर. पर्सनैलिटी, लुक्स, हाइट क्या इम्पोर्टेंट है? पर्सनैलिटी एंड हाइट. ओके. पर्सनैलिटी एंड हाइट. कलर से फर्क नहीं पड़ता? नहीं. तो फिर गोरे लड़कों को तो बड़े आसान से गर्लफ्रेंड मिल जाती है. ऐसा नहीं. लुक एट हार्दिक पांड्या. हार्दिक पांड्या है. कोई भी लाइक डार्क कॉम्प्लेक्शन का लड़का उसको गर्लफ्रेंड इजीली नहीं मिलती है. तू उल्टा बोल रहा है. ये लड़कियों के लिए होता है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन लड़कियों को जल्दी लड़के नहीं मिलते. यू आर गोइंग रॉन्ग वे ब्रो. वैसे भी यू प्रमोट ब्राउनी. थैंक्स. मैंने फर्स्ट राउंड के क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही रखे हैं बॉयज एंड गर्ल्स से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी लड़के के अंदर लाइक मस्कुलिनिटी होनी चाहिए, कोई मसल वसल होनी चाहिए या फिर गुड ड्रेसिंग सेंस एंड सटल प्यारा सा लड़का हो चलेगा? डिफर्स. मुझे तो ऐसा लगता है हर लड़की की चॉइस अलग होती है. इवन लाइक आई वांट अ बिट मोर ऑफ अ स्ट्रॉन्गर देन मी लाइक हाइट बॉडी में. ऐसा हो जो संभाले. हाँ, प्रोटेक्टिव हो. तेरे से छोटा वर्जन अवेलेबल ही नहीं. दिस इज द ओनली पीस लेफ्ट एट दिस हाइट एंड दिस मसल. राइट. आई एम जस्ट जोकिंग. शी इज वेरी beautiful. Let's move on to next question. Why do you think always boys have to approach girls? That's wrong. Why always boys have to approach girls? तूने कितना का approach किया? That's a personal question. नहीं, that's being real. Yes, signals दिए है, indication दिया है. That is our way to approach. मुझे ऐसा लगता है कि they come it becomes like हमारा भी एक attitude रहता है that they came to us. And थोड़ा इसे ignore कर सकते हैं. हाँ, even that scene is there. थोड़ा सा zoom in. एटीट्यूड सुना. लड़कों यही चीज है वो. या फिर कोई इतना अच्छा होता है रियली फॉल फॉर समवन तो मैं जाऊँ. तो भी इंडिकेशन ही देंगे. हाँ, तो भी सिग्नल्स देंगे. हाँ, सामने से जाएंगे तो नहीं. बट ऐसी लड़कियां हैं जो खुद जाती हैं एंड प्रपोज भी करती हैं. We do give signals. That is quite enough for them to notice that. सिग्नल में क्या देते हो? इंडिकेटर देते हो? हेडलाइट देते हो? डिपर देते हो? We also do flirt. Okay. मैंने सोचा नहीं था ये वीडियो ऐसी होने वाली है. ऑलराइट, अगर कोई बंदा अब तुम्हारे पास आता है कन्फेस कर, कैसे अप्रोच करना चाहिए? लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन या फिर कैसे कन्फेस करें? एकदम से आके नहीं बोलना चाहिए हे आई वुड लाइक टू गो ऑन अ डेट और समथिंग. लाइक ही शुड बिकम माय फ्रेंड देन बेस्ट फ्रेंड एंड देन गो आउट. टाइम चाहिए. बी अ गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड एंड देन ट्रस्ट गेन करना. मेरे को ना बहुत ऑकवर्ड लगा. And it looks like a kitty party kind of thing. But तुम्हारी बातें ही ऐसी हैं यार. मेरे तो आधे तो ऊपर से जाते हैं. तू ही क्वेश्चन पूछा, उसका हम आंसर दे. इसमें क्या kitty party? I'm getting honest. Okay, let's start to our next round. How do cramps feel? Very painful. Obviously, it's painful. But like, how can I feel those cramps? Like you feel it in thighs when you do squats. Now you feel it abdominal area. Cool. Okay, my next question is very simple. Are you a feminist? Yes, I am. Are you a feminist? I support feminism. What if next morning you wake up with a dick and balls and I am having periods? Equality mein feminism aise nahi aa sakta ki sexual organs exchange ho gaye. I will support transgender as well in terms of equality. Yeah. And that equality should be equal only. Wo feminist kaafi baar upar bhi chale jaate hain being honest. Yeah, that's wrong. I don't support feminism or like things, but मेरे सामने कोई लड़की होती है या लड़का होता है ना, I treat them equally. तुम करते हो क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें वैसे अपब्रिंगिंग दी है, बट काफी लोग हैं जिनके घर में नहीं होता. नहीं, you have to be with them. It's about वहाँ पे अवेयरनेस लाना जहाँ नहीं नहीं है. I have an idea.
इफ यू वॉन्ट टू डू दीज थिंग्स यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम योर हाउस. या तुम अपने घर से बाहर जाओ. तुम कभी गाँव गए हो? मैं एक गाँव से आया हूँ. मुझे कमल, वी हैव सीन इन्फ्लुएंस पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया. मैं एक स्टोरी डाल रही हूँ और कोई भाई है जो अपनी बहन को सोशल मीडिया यूज करने नहीं दे रहा है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं दे रहा है, ये सोच के दैट गर्ल विल बी स्पॉइल्ड विद इंटरनेट. होता है तो दैट गाय इज गोइंग टू सी दैट पोस्ट एंड बी लाइक ओके नाउ द इंटरनेट इज द सेफ प्लेस, यू हैव द राइट्स कि तुम क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो. I am sorry, I support girl. Moving on the next question. Are you fine dating a bisexual guy? That's a deep question. But I am. I'm not. You're not fine with it at all. Okay. Not at all, but मैंने अभी तक वो डाइजेस्ट नहीं किया है. Same here. अगर कोई ऐसा मिल गया जो जिससे मैं बहुत प्यार करने लगी एंड वो बाइसेक्सुअल है तो फिर सोच सकते तेरी मम्मी को बताओ. Okay, fine. Let me ask both of you, why I am so beautiful? तेरी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, तेरी स्कूलिंग पे डिपेंड करता है, तेरे कल्चर पे डिपेंड करता है. वो बाबा रामदेव का चूरण खा के आई है क्या? कोई ढंग के जवाब दे दे. ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग है कभी कभार और बिल्कुल इसके साथ बहुत पेशेंस रखना पड़ता है. कभी कभार अनोइंग है कभी कभार. हाँ तो आपको बिहाइंड द सीन्स देखने चाहिए इस वीडियो के. गुड ह्यूमन बीइंग बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑनेस्ट एंड यू आर जॉली. यू ऑलरेडी नो शी डज मेकअप तो इफ योर बॉयफ्रेंड लाइक इफ योर लाइफ पार्टनर ऑल्सो डू मेकअप आर यू फाइन विद इट और लाइक मे बी यू हैव अ कॉम्पिटिशन देन. पर्सनल ओपिनियन इज लाइक यू कैन पुट मेकअप थोड़ा बहुत बट गोइंग वेरी एक्सट्रीम एंड लाउड that is not fine for me. खुद मेकअप नहीं करती सो अगर सामने वाला कर रहा है तो वाओ. ये लड़की मेकअप करती है, इतना प्रमोट करती है लेकिन अभी इसने क्या बोला? ज्यादा नहीं, क्या पता वो तेरे से ज्यादा ऐसे 24 घंटे मुंह पे ऐसे फावड़ा मार रहा है तो. It's a personal choice, that is what I'm saying. I am not interested in those boys. Let me ask you, what is your favorite pickup line? If you generalize girls, what is like best pickup line की कोई ना कोई लड़की तो उस पे फिदा हो ही जाएगी. कोई भी चीजी सी लाइन मार दो आई लाइक इट. मुंह पे स्माइल आ जाना चाहिए थोड़े से चीजी हो. तभी मैं सोचूं जब से बैठा मेरे साथ में कोई चुप ही नहीं. हंसते जा रहे हो रुक जाओ यार. शट अप. मैं ब्लश कर जाऊं. यू हेट अ गाय अ लॉट. ठीक है यू हेट अ गाय फकिंग लाइक ठीक गंदा लड़का लेकिन तुम लोगों की लॉन्जरी सेम है. इफ आई हेट द गाय हाउ वुड आई नो हिज अंडरवेयर? इट actually happens like वो सामने ही रहता है रोज वो सुखा देता है वहीं पे. एंड ये बात सिर्फ तुम्हें पता है कि 5 साल से जितनी शॉपिंग कर रहा है लॉन्जरी शॉपिंग कर रहा है वट एवर इट इज इट्स फकिंग सेम एवरी टाइम. इट वोंट क्रिएट एनी डिफरेंस फॉर मी. आई थिंक इट आई चेंज माय चॉइस. आई चेंज माय चॉइस. दोबारा वो वही लेके आया लाइक एवरी टाइम फ्रॉम 5. आई DIY इट. मैं टाई डाई कर दूंगी. या ओके दिखाना मेरे को. Tom doing this. Okay, moving on. Let me ask this question. मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था यार जब यहाँ पे वडोदरा शिफ्ट होने से पहले सोच रहा था कि मेरे को बॉय के साथ ही क्यों शिफ्ट होना है like, लड़की भी तो हो सकती है. मैं आज नीचे सोच रही थी. I think it's fine, but India में इतना problem नहीं है. You both are fine with it. Yeah. I am fine with it, but my family is very much protective about it, so हम नहीं कर सकते. But I guess I allow my daughter to do it. ध्यान से सुनना. इसी न्यू ईयर की पार्टी में एक सीन हुआ था. एक बंदे ने बात दिया था. Okay. जिस लड़की को अप्रोच कर रहा था वो उसी बात से होके उनकी लाइक अनबन हुई. सो शी इज नो मोर इंटरेस्टेड इन हिम. सो व्हाई इज दैट लाइक व्हाई डू यू जज पीपल? दैट इज सो बैड लाइक एवरीवन फार्ट्स यार. कम ऑन सब पद्दू करते हैं. सही बात है ना. हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरे पापा तो ऐसे. My dad is like it's good for digestion. सही बात है. तो थोड़ा सा सुर लगा. बट मुझे ऐसा थोड़ा बॉब्स का होता है कि तुम थोड़े से आराम से डकार हो यार. ऐसे मुंह पे किसी के मत. एक क्वेश्चन हो. डकार की बात कहाँ से? तुम इतनी चपड़ मतलब दो लड़कियाँ मिल जाएं बस.
ना, हाँ पापा तो ऐसे हैं, मेरे को तो बर्ब भी आता है, लेकिन कहाँ से आओ तो कॉन्टेक्स्ट वाई क्या प्रेस करती है? एक्सप्रेस एक्स का प्रेस करती है। That's a bad joke by Kamal Dankhar. जल्दी से रैप करते हैं वीडियो को, ठीक है? तुम तो लाइक बातें करते रहोगे, कितना पोर्शन काटूंगा मैं? डेढ़ घंटे की क्लिप से पचड़ कर रहा हूं। हमारी भी मम्मियां वेट कर रही हैं नाटक कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, लाइक व्हाई डू यू हेट गाइस कॉलिंग यू बिचेस? बिकॉज़ हम लड़कों को कुत्ता नहीं बुलाते। हां, एंड काफी लड़कियों को पसंद भी है लाइक बिचेस, लाइक इट्स अ कूल थिंग, लाइक इट्स अ न्यू स्लैंग आउट देयर। इट्स नॉट बिच वाला बिच, इट्स अ बिच। हे बिच, हे डॉग। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, तुमने वो वैप गाना सुना? वी डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद मुझे, बहुत इरिटेट करता है। मेरे को भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड है क्या? ऑन द नेम ऑफ मॉडर्न फैशन बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। नहीं, लड़के तो कभी इस लेवल तक तो नहीं जाते हैं। आई डोंट नो, आई डोंट फॉलो पीपल लाइक दैट जो ऐसे गाने बना रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बट वैप वो ट्रेंडिंग सॉन्ग है। थोड़ा पॉन होता ही है सब जगह, पर ये थोड़ा अलग टाइप का है। पर्सनल ओपिनियन, मुझे खुद को वो ट्रेंड पसंद नहीं आता। ना इवन टोल्ड कमल, वी इवन हैड अ वर्ड अबाउट इट। इट्स नॉट अ गुड थिंग। चीजें जनरलाइज नहीं करनी चाहिए, राइट? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं पांचवी क्लास से सुनता आ रहा हूँ सारे लड़के एक जैसे हैं। सारे लड़के एक जैसे मैं नहीं बोलती, बिकॉज मेरे फैमिली में मेरे भाई ने अलग अलग हिसाब उनसे था। ओके, लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। बचपन से पूछना चाहता हूँ, हर किसी के मुंह पे था, बिल्कुल ऐसे था, बस पूछ ही नहीं पाया। और लाइक स्कूल टाइम की यादों का क्वेश्चन अभी मैं पूछना चाहता हूँ। तुम्हें जब वॉशरूम जाना होता है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में क्यों जाना? लाइक मतलब जस्ट फॉर अ कंपनी। जब तुम दो लड़कियां जाती हो तो लाइक कैसे करते हो? तुम क्यों करते थे? Audience wants to know. Just to gossip on the way to हाथ पकड़ के तो नहीं गए यार। आधे टाइम तो तुम ऐसे ही जाते होगे ना, यार मेरे को आ रही है, तेरे को भी बाहर लेके चलते हैं। That is very fine. सच बता रहा हूँ, girls के बहुत benefit हैं। You can change your gender. We cannot, but you can. I am so proud of to be a male. Okay, even I respect that. I can't imagine being a male. I literally don't know ki kya discussion hua, kya nahi hua, and I seriously don't want to end this video. But ye ladkiyan bhagna chahti hain, ki zyada vibe kar rahi hain ek saath, aur waise pachad lag jati hai beech mein. Bahut footage cut kari hai maine iske beech mein, and I seriously don't want to end this video. And if you want a second part of this video, just comment down below, and don't forget to hit the like button, subscribe the channel, and hit the bell icon. बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं इनकी खींचता हूँ, इन्होंने बहुत फालतू बोला है। हम तेरी खींचने वाले, मैंने खुद देखा है तेरे को हाथ पकड़ के टॉयलेट पे जाते हुए। सो तो कंपनी चाहिए यार, कंपनी में तुम करते क्या हो? देख, चल हम कैमरा बंद करके आते साथ में, दिस इज व्हाट वी डू। फाइनली वीडियो इज ओवर, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत लेकिन अनोइंग भी लग रहा था, ये पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा, सीरियसली।